नमस्कार बच्चों एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रदीप और आज मैं ला चुका हूं आपके लिए एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर है आपके क्लास ट्वेल्थ का थर्ड चैप्टर। और क्लास ट्वेल्थ के थर्ड चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करेंट। अब तक आपने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चीजें मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच हम खत्म करके आ चुके हैं। और अब हम बात करेंगे रुके हुए चार्जेस के नए कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब तक हमने देखा था कि चार्ज कहीं प्रोड्यूस होते हैं, रुके हुए हैं और उनको क्या करना है, अपने रुके हुए स्टैटिक प्रॉपर्टी की वजह से, स्टैटिक बिहेवियर की वजह से आसपास क्या क्या इवेंट देखने को मिलते हैं, इस पर आपने कुछ चीजें स्टडी की। और अब हम बात करेंगे चार्जेस बहुत हो गए, बहुत बैठ लिए, अब इस चार्जेस का जो मेन सोर्स है वो कौन था, इलेक्ट्रॉन्स थे। और आइए इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं और नहीं, ये होते हैं आपके सारे सिस्टम में। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जब बैठे हैं या फिर कहीं हैं तो अब इनका बैठने का काम खत्म हो चुका है, अभी तो चलना होगा। मतलब नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब चार्ज क्या है, रुकेंगे नहीं बल्कि मूव करेंगे। एग्जैक्टली, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ चार्ज। यहां पे चार्ज रुकेंगे नहीं, मूव करेंगे। और दैट प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्शन। मतलब अब हम बात करने वाले हैं चार्ज के मूवमेंट के बारे में। तो इसमें हम लोग यही करेंगे कि अब चार्ज हमारे मूव करेंगे और मूव करेंगे तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है कि वैद्युत चालन, वैद्युत चालन क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन की परिभाषा ध्यान से सुनिए कि जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके प्रेजेंस में ही मूव करना स्टार्ट करते हैं। जब ये चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरे साइड तक मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्शन। मतलब पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मतलब कौन, आवेश गति करना प्रारंभ करते हैं, तब पदार्थ में यह अवस्था वैद्युत चालन कहलाती है। बात क्लियर हुई, वैद्युत चालन कहलाती है मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहलाती है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कहां है ये, पदार्थ में है, हर जगह तो मूव नहीं कर सकते, इनको मूव करने के लिए प्रॉपर मीडियम, प्रॉपर चीजें चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से मीडियम है जहां पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल है, हम इस पर भी बात करेंगे। ये पॉसिबल कैसे हुआ, तो हमने अभी भी बताया कि जब हम किसी कंडक्टर में बाहर से क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्जर्व करेगा, चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो यह वैद्युत चालन पदार्थ में बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल या वैद्युत वाहक बल, ठीक है, के कारण संभव होती या होती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये वैद्युत चालन कहां होता है, ठीक है, तो आपके दूर नहीं है, आपके आसपास ही है सारे कंडक्टर जो आप देख रहे हो। तो हमें ये देखना है कि ये वैद्युत चालन कहां कहां होते हैं। ठीक है, तो पदार्थों में वैद्युत चालन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में या प्रावस्थाओं में होती है।
अवस्थाओं या स्टेट्स में होती है। कौन कौन से स्टेट में होती है बच्चों? तो आज हम बात करेंगे पहला सॉलिड स्टेट, ठीक है, ठोसों में, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड। तो इन सॉलिड्स की मैं बात करूं तो कैसे पॉसिबल है? अगर मैं सॉलिड्स की बात करता हूं तो जैसे ही मैंने बाहर से बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया, जैसे ही हमने बाहर से वैद्युत क्षेत्र लगाया तो उसमें क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सॉलिड में और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं कि हमारे पास इतना फोर्स हो, इतनी एबिलिटी हो कि वो मूव कर सकते हैं। तो सॉलिड्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं और नहीं उसी कंडक्टर या उसी सब्सटेंस के अक्रॉस बिलोंग करते हैं और चलने के लिए तैयार होते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, इलेक्ट्रॉन किसमें? कंडक्टर्स में, और कंडक्टर किसमें आता है? सॉलिड में। तो ऑल द कंडक्टर मतलब सभी चालक ठोस कहलाते हैं, सभी चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आपके वैद्युत आवेश के चलने की जरूरत को पूरा करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में मतलब सभी चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के गति के कारण वैद्युत चालन संभव है या होता है, ठीक है। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मूव करते हैं जिससे वैद्युत चालन संभव है। बात क्लियर? तो ये कैसे कैसे मैं बता दूं मैं कि चालकों में जहां जहां बात हो रही है, चालक का मतलब क्या? कॉपर, आपका सिल्वर, आपका एल्यूमिनियम, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। सभी कंडक्टर्स एग्जांपल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से मूवमेंट देता है। एग्जांपल में आपका सिल्वर है, चांदी है, तांबा है, ठीक है, ये सब आपके एग्जांपल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ईटीसी, ठीक है। अब मैं बात करूं ठोसों के बाद तो मैं आ जाता हूं लिक्विड पर, द्रव पर, ठीक है, लिक्विड, इन लिक्विड्स, द्रवों में। तो द्रवों में बच्चों, द्रवों में कहां पॉसिबल है? इन लिक्विड्स। तो मैं जब द्रवों की बात करता हूं तो द्रवों में ऐसा क्या है? तो द्रवों में सबसे इंपॉर्टेंट आता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता? तो इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य मतलब जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं। तो वैद्युत अपघट्यों में जब बाहर से हम पोटेंशियल विभव विभवांतर किसी दो सिरों के बीच में, इलेक्ट्रोड के दो सिरों के बीच में, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं मैं बताता हूं, दो इलेक्ट्रोड के सिरों के बीच में अप्लाई करते हैं तो उनमें उपस्थित जो द्रव होते हैं वो द्रव टूटने लगते हैं, अपघटन कर देते हैं। और जैसे ही ये अपघटन करते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, ब्रेकडाउन होकर के धन आयन और ऋण आयन दोनों बनाते हैं। धन आयन और ऋण आयन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं और यही मूव करना स्टार्ट करते हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोडों के बीच में गति करते हैं जिसकी वजह से वैद्युत चालन संभव हो पाता है। तो मैं बता दूं कि लिक्विड में यह वैद्युत चालन किसकी वजह से होता है? द्रवों में वैद्युत चालन आयनों, कौन कौन से आयनों? धन आयनों तथा ऋण आयनों के इलेक्ट्रोडों के मध्य गति से होता है, इलेक्ट्रोडों के मध्य गति से संभव है। अब मैं बात करूं इसके बाद, आइए देखता हूं, अब मैं बात करूं क्या इतने ही स्टेट हैं? तो और भी स्टेट है हमारे पास बच्चों, और कौन सा स्टेट है, ठीक है। तो अगला स्टेट है हमारे पास बच्चों, वो है गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट मतलब इन गैसेस, अगर मैं बात करूं थर्ड की तो वो है इन गैसेस, गैसों में कैसे पॉसिबल है? तो होता क्या है कि आप ऐसे गैसेस को, सामान्य दाब पर मैं बता दूं कि सारे गैसेस जो है वो इंसुलेटर होते हैं। फिर से मैं बता दूं, नॉर्मल
प्रेशर पर, नॉर्मल प्रेशर जो हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मल प्रेशर पे सभी कंडक्टर्स जो मतलब सभी गैसें आपके एज इंसुलेटर मतलब अचालक के भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे प्रेशर को, कम करेंगे, निम्न करेंगे, वैसे वैसे आपके गैसेस जो है वो टूटने लगते हैं, उनका भी अपघटन होता है। और ये जब टूटते हैं तो ये भी आयंस में टूटते हैं, वॉटर में टूटते हैं। वॉटर के बारे में जानकारी मिलेगी आपको आगे आने वाले में। फिर भी मैं छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि गैसेस जब इलेक्ट्रॉन, गैस के एटम जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो वहां पे एक स्पेस छूट जाता है इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद। वो स्पेस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, इसीलिए वो एज अ पॉजिटिव ट्रीट होता है। और वो वैकेंट प्लेस को, उस खाली स्थान को हम कहते हैं क्वार्टर। और यही क्वार्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए। तो ये क्वार्टर भी चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हुए। और इसके अलावा जब कोई एटम टूट जाता है तो भी वो धन आयन और ऋण आयन में टूटते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब यहां पे धन आयन और ऋण आयन अलग हो गए, यहां प्रोटॉन ना बनकर के आपके धन आयन बनते हैं। और दूसरी जगह मैं बात करूं, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी प्राप्त होते हैं। तो गैसों में सामान्य दाब पर सभी गैसें अचालक के भांति व्यवहार करती हैं, अचालक के भांति व्यवहार करती हैं। लेकिन निम्न दाब पर यह धन आयनों ऋण आयनों एवं इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टरों के रूप में विघटित होती हैं, बनाती हैं, जो वैद्युत चालन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो गैसों में भी होता है और सॉलिड और आपके लिक्विड में भी होता है, बात क्लियर हो गई है। तो ये बात दिमाग में रख लीजिए कि ये कहां होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जितने नॉर्मल गैसें होती हैं ये सब अभी इंसुलेटर हैं। अगर ये कंडक्टर होती तो हम लोग आज खुले वायर से भी करंट खा जाते हैं, लेकिन ये इंसुलेटर है। अगर प्रेशर कम होगा तो पॉसिबिलिटीज है कि ये मीडियम क्या हो जाए, कंडक्टर हो जाए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तो यही इस चैप्टर का सोच लीजिए आपका मेन हीरो है। ठीक है, यही मेन हीरो है और यही आपका एंड तक चलेगा इस पूरे सिनेरियो में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज वॉर नथिंग, दिस इज द काउंटिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में बात करेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिकली ज्यादातर कंडक्टर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे मैं बात बेसिकली कर लूं तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक के सिरों के मध्य आवेश प्रवाह की दर चालकों में वैद्युत धारा कहलाती है। सिंपल से आवेश के माप की दर, आवेश के काउंटिंग का मेजरमेंट, रेट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो किसी चालक के सिरों के मध्य, किसी चालक के सिरों के मध्य आवेश प्रवाह की समय दर, आवेश मतलब वही इलेक्ट्रॉन, आवेश प्रवाह की समय दर मतलब एक सेकंड में कितना प्रवाहित होगा, समय दर उस चालक के सिरों के मध्य क्या कहलाएगा, वैद्युत धारा कहलाती है। बच्चों तो वैद्युत धारा कहलाती किससे दिखाते हैं, आज से नहीं, बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। तो वैद्युत धारा
इलेक्ट्रिक करेंट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट क्यू बाई टी आवेश प्रवाह के समय दर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो बेसिक ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं बात करूं ये जो बेसिक सा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप आई केवल लिख के क्यू बाई टी लिख सकते हैं। इसका जो बेसिक सा फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे एक क्यू है, जहां ये क्यू कोई और नहीं बच्चों, ये क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एनई, और ये एन क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है, तथा E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ये कोई और नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मूव कर रहे हैं ये एक सेकंड में अगर मैं पता चल जाए तो दिस इज कॉल्ड करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। बात क्लियर। अब ये करंट को अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट मतलब तात्क्षणिक धारा के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा, तो तात्क्षणिक धारा बच्चों मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, तो दैट इंस्टेंटेनियस करंट इज व्हाट, मतलब किसी भी क्षण आवेश के प्रवाह की दर। इसको दिखाते कैसे हैं, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं dQ/dt, ठीक है, किसी भी क्षण आवेश की वैल्यू और उस क्षण जिसके बारे में बात हुई उसका टाइम इंटरवल, दिस इज dQ/dt, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। यहां से मैं चार्ज को दो तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। यहां से हम चार्ज को दो तरीके से दिखा सकते हैं, कैसे आइए दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बात समझ में आई, ठीक है। नोट पॉइंट में हम लोग ने अब देखेंगे कि यहां पे हम चार्ज को अगर कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहें तो क्या होगा, ठीक है। नोट, तो बच्चों नोट में हम लोग देखेंगे कि यदि धारा आई नियत हो, ये कैसे पॉसिबल है, नियत कैसे पॉसिबल है, तो जब किसी सिस्टम पे धारा का मान बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो मैं बता दूं कि बैटरी वगैरह से जब धारा जाती है शुरू में तो नियत ही रहती है, और जैसे जैसे खत्म होती जाती है उसका वैल्यू जो है वो फिर कम हो जाता है, जब धारा नियत हो, तो धारा जब बच्चों नियत होगी तब आवेश की माप कैसे करेंगे, आवेश की माप क्यू इज इक्वल टू आप लिखेंगे आईटी, बच्चों याद रखिएगा क्यू इज इक्वल टू आईटी, ठीक है, निकालना होगा तो ऐसे लिखेंगे। ये तो पहला केस हो गया। अगर मैं बात करूं यदि धारा परिवर्ती हो, धारा परिवर्ती का मतलब कि हर बार इंस्टेंटेनली बदलता रहे, जैसा कि हमारे एसी में बदलता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, तो हमारे घरों में आता है, ठीक है, अगर धारा जो है वो परिवर्ती हो बच्चों, ठीक है, ये आई से दिखाते हैं, तब क्या होगा, तब इस केस में आई इज इक्वल टू dQ/dt तो आपने पढ़ा ही था, यहां से आप लिखेंगे dQ इज इक्वल टू I dt, और अगर परिवर्ती होगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे आप, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, समाकलन करेंगे तो क्यू हो जाएगा, तो क्यू और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, कहां से शुरू किया था आपने, जीरो से लिया होगा टाइम, और जब तक चाहे तब तक ले सकते हैं, तो ये I dt, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका चार्ज का पैरामीटर माप है, और ये पैरामीटर जो परिमाण आएगा वो परिमाण परिवर्तित धारा के लिए इस तरीके से इंटीग्रल फॉर्म में, और कांस्टेंट के लिए इस तरीके से, ठीक है। और एक बात मैं जाते जाते बता दूं आपको कि धारा का मात्रक बच्चों, ये याद रख लीजिएगा, धारा का मात्रक बच्चों होता है आपका कूलम्ब बच्चों, I = Q/T, कूलम्ब प्रति सेकेंड, अथवा बेसिकली आप इसको लिखते हैं एम्पियर, ठीक है, एम्पियर ये निकाल लीजिएगा आप, ये आपका बेसिक सा फैक्टर है, इसका यूनिट एम्पियर, डायमेंशन ए, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग धारा के बाद बात करेंगे धारा घनत्व के बारे में, और फिर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, जय हिंद जय भारत।